आप इसका रोज का सरकारी मिल जाएगा, कभी इस कर्मचारी के घर आएंगे, कभी उस कर्मचारी के, क्या क्या डांटे कि हम वही वो हो गए, अचेत जैसा हो गए, क्या क्या वो बोले, गरिया भी दिए, क्योंकि मैं तो समाज जात का हूँ, विकास अधिकारी बनने के लिए इस वजह से, और ये क्या ये मेरी बात को आप सरकार तक पहुँचाएंगे जी, चलाएंगे सर, एकदम सर, आत्महत्या जाती है, मेरे और बच्चे हैं, बेटी कोई जिम्मेदार है, मैं सहन हो गया, मैं ये सरकार कर गया, किसी अन्य कर्मचारी का भी सोच नहीं सकता, किस शासनादेश में किस सेवा निमाली में लिखा है अधिकारी कर्मचारी सेवा निमाली कहाँ है जिसमें गाड़ी देगा आप सर बाबू को, कहाँ गाड़ी देगा। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। डीडीओ के फटकार से बेहोश होकर गिरा स्टोनो, अस्पताल में चल रहा है इलाज, स्टोनो ने बताया डीडीओ से जान माल का खतरा। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से। विकास भवन में सोमवार की दोपहर उस समय अफरा तफरी का माहौल देखा गया जब डीडीओ रजत राम मिश्र की फटकार से स्टोनो गौरी शंकर राम बेहोश होकर फर्श पर गिर गए। आनंद फानन में विकास भवन से अन्य कर्मचारियों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। स्टोनो ने डीडीओ से जान माल का खतरा बताया है। घटना के बाद विकास भवन से लेकर जिला अस्पताल तक अफरा तफरी का माहौल देखा गया। जिस तरह से जानकारी मिल पा रही है, डीडीओ का रवैया अपने अधीनस्थों के प्रति हमेशा बेरुखी कर रहा है। सोमवार को भी विकास भवन में रोज की भांति कर्मचारी अपने अपने काम में लगे थे, तभी दोपहर के वक्त विकास भवन में प्रथम तल से अचानक चिल्लाने की आवाज आई। विकास भवन के सभी कर्मचारी जो जहां थे डीडीओ के केबिन में आ गए तो देखा कि स्टोनो बेहोश होकर फर्श पे गिरा है। उपचार के बाद होश में आने पर स्टोनो गौरी शंकर राम ने डीडीओ पर आरोप लगाया कि डीडीओ हमेशा मुझे प्रताड़ित करते हैं। गौरी शंकर राम नाम है जी, क्या हुआ था? अरे आप इतना रोज का है धंधा है और ये कितने है, रोज का ही काम है, जिला विकास अधिकारी में हो जाएगा, कभी उस कर्मचारी के घर आएंगे, कभी उस कर्मचारी के घर आएंगे, कभी, और आज सुबह भी बढ़िया महोत्सव का एक कार्यवृत्ति बनाने की बाइक डेटिंग में मैंने उसको बना दिया था, इसे पहले भी बना चुका था, फिर उसमें करेक्शन दिए, शासनादेश महानिदेशक पर्यटन का था तो उसको मैंने भी करेक्शन कर दिया, ये बस दो मिनट में हो जाएगा लेट, अभी ला रहा हूँ, तभी करे तुम फिर तो मेरे लगा मनो इस तरह के हमको क्या क्या डांटे कि हम वही वो हो गए, अचेत जैसा हो गए, क्या क्या वो बोले गरिया भी दिए, क्योंकि मैं तो चमार जात का हूँ इस वजह से, ये जिला विकास अधिकारी पंडित जी है ना, इस वजह से, और ये क्या ये मेरी बात को आप सरकार तक पहुंचाएंगे जी, चलाएंगे सर, एकदम सर, एकदम सर, मेरी आज आत्महत्या हो जाती है, आत्महत्या हो जाती है, मेरे और बच्चे हैं, दो बेटियों की शादी कर रहे हैं, कोई जिम्मेदार होगा? ठीक है, मैं सहन हो गया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, किसी अन्य कर्मचारी का भी इस तरह से हो सकता है? ये कहाँ किस शासनादेश में किस सेवा निमाली में लिखा है अधिकारी कर्मचारी सेवा निमाली कहाँ है जिसमें गाली देगा आप सर बाबू को, कहाँ गाली देने का लिखा है, लेकिन रोज गाली देते हैं, और जहाँ देखते हैं कि जो कमजोर है कमजोर वर्ग उसको तो डेली गाली देते हैं, आते ही आते हैं बिना किसी वजह, अब इनका आज का नहीं है, अब दिन भर में कई थोड़ी इनसे मुलाकात होगी, क्या क्या बहाना है, बहुत सारे बहाना है, कुछ नहीं करते हो, ये करते हो, वो करते हैं, ये है वो है, मतलब बिला वजह, बिला वजह लगता है कि भांग खा के उधर से, अभी जैसा अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि यही जिला विकास अधिकारी इस तरह का इनका बिहेव किसी कर्मचारी के साथ हो, जैसा कि अभी बता रहे थे कि हम डीडीओ का भी इस संबंध में बयान सामने आया है। उनका कहना है कि स्टोनो की तबीयत पहले से ही खराब थी, सोमवार को मेरे द्वारा सिर्फ इतना पूछा गया फाइल का काम कितने दिन में कर देंगे, इस पर उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत खराब है, बाद में मुझे पता चला कि जिला अस्पताल में भर्ती हैं। अपने ऊपर लगाए गए आरोप को निराधार बताया। आपके सहयोग से सब लोगों को ठीक हो गई है, मैं ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ।